शुक्रवार का जो दिन होता है वह माता लक्ष्मी का दिन तो होता ही है और साथ में शुक्र ग्रह का दिन भी होता है, यानी कि जो किस्मत का और लग्जरी का ग्रह माना जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह बलवान होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपने आप ही लग्जरी वाली जितनी भी चीजें होती हैं वे खुद ही आकर्षित होती हैं। और आपने खुद भी काफी लोगों को ऐसे देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत करते हैं, लेकिन कम मेहनत में भी सभी सुख और सभी ऐशो आराम उनके जीवन में होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि शुक्र ग्रह उनका बलवान होता है। शुक्र ग्रह जिस व्यक्ति का बलवान होता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी की कमी होती नहीं है, यानी कि उसे स्थायी रूप से नित्य प्रतिदिन धन की प्राप्ति होती ही रहती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जो खास करके शुक्रवार के दिन किए जाते हैं और जिनको करने से माता लक्ष्मी की विशेष खास आशीर्वाद प्राप्त होता है और इससे जीवन में कभी भी धन की समस्याएं नहीं आती हैं, बल्कि जीवन में सकारात्मक प्रभाव बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ जाते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिला करें। तो दोस्तों आपको बता दें कि शुक्र ग्रह अगर किसी व्यक्ति का बलवान होता है तो ऐसे व्यक्ति के पास खूब सारी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर आपके मन में ऐसी इच्छाएं हैं कि सभी लग्जरी वाली चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए, आपके घर में होनी चाहिए, तो इसके लिए शुक्र ग्रह का बलवान होना बेहद आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहली चीज तो दोस्तों आपको ये करनी है कि अगर आप तालाब में आटे की छोटी छोटी गोलियां हर शुक्रवार के दिन डालते हैं तो इससे शुक्र ग्रह बलवान होता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी ओर अगर आपके घर के आसपास ना तो तालाब है ना ही समंदर है तो ऐसे में आपको एक कमल का फूल हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी पर अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे आपका जीवन बिल्कुल स्थायी रूप से धन की समस्याओं से बिल्कुल दूर हो जाता है। और इस चीज को आप स्वयं करके देख सकते हैं कि जिस दिन शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को एक कमल का फूल आप चढ़ाना शुरू करेंगे जिस दिन से भी, उसी दिन से काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव जीवन में आने लग जाता है, उसी दिन से किस्मत बलवान हो जाती है। दूसरा उपाय ये है, शुक्रवार के दिन अपने घर में लोबान की धुनी देने से माता लक्ष्मी उस घर में आकर्षित होती है। माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए लोबान की धुनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके घर में लोबान है, इस बात का ध्यान रखें कि जो मार्केट में लोबान की धूप मिलती है वह बिल्कुल नकली होती है। अगर आपको कहीं से असली लोबान मिल सकता है तो अच्छा है, क्योंकि असली लोबान की एक खासियत होती है कि चाहे आपका मन कितना भी विचलित ही क्यों ना हो, कितनी भी चिंताएं, कितनी भी घबराहट आपके मन में क्यों ना हो, जैसे ही लोबान की धुनी आपके अंदर जाना शुरू करती है वैसे ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है, और जहां शांति होती है वहां पर माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हो जाती है। तो दोस्तों लोबान आप अवश्य ही प्राप्त कर लें। बिल्कुल शुद्ध असली लोबान पाने के लिए आप हमारी संस्थान से भी इसे आसानी से मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, व्हाट्सएप कर दें आप लोबान लिखकर, यह आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों लोबान की जो धुनी होती है अगर हर शुक्रवार के दिन घर में दी जाए तो इससे उस घर में दिव्य शक्ति विराजमान हो जाती है, यानी कि माता की जो शक्ति होती है वही उस घर में विराजमान हो जाती है और किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, क्योंकि लोबान की जो धुनी होती है उससे सभी नकारात्मक ऊर्जाएं तुरंत ही डरकर भागते हैं। बल्कि इस प्रयोग को स्वयं आप खुद करके देख सकते हैं कि अगर आपके घर में मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े आदि बहुत ज्यादा आते हैं तो इसका मतलब ये है कि नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में बहुत ज्यादा वास करती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर रोजाना लोबान की धुनी 11 दिन तक दी जाए तो इससे कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी भी उस घर में नहीं आते हैं, क्योंकि इसकी जो सुगंध होती है यह नकारात्मक ऊर्जाओं को काट देती है। तो यह आप व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। अब दोस्तों तीसरी चीज है कि अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य होता है और जितनी भी धन की चीजें करते हैं उनमें बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल पाता है, आपका व्यापार नहीं चल पाता है, तो आपको केवल इतना करना है कि 51 कौड़ी आपको लेनी है और इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 51 बार ही उतार देना है, और उसके बाद सिर्फ बहती हुई नदी में ही इस रुमाल को जिसमें आपने कौड़ी बांधी है इसे प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से दुर्भाग्य भी प्रवाहित हो जाता है और उसी दिन से किस्मत बलवान हो जाती है। यह कुछ इतनी आसान सी चीजें हैं जिन्हें जब आप करते हैं तो जीवन में बहुत ही ज्यादा खास बदलाव निश्चित ही देखने को मिलता है। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं। अगर आपकी कोई और समस्याएं हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं, आने वाले वीडियोज में उन समस्याओं के बारे में निश्चित बताया जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।